हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे सेक्शन 65 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 65 ए कहता है मॉर्टगेजर्स पावर टू लीज। ठीक है, इसमें मॉर्टगेजर के पास ये पावर होता है कि वो जो प्रॉपर्टी जिस जो उसने मॉर्टगेज किया है उस प्रॉपर्टी को वो लीज आउट कर सकता है। ठीक है, यानी कि मॉर्टगेजर जो है वो लीज आउट कर सकता है प्रॉपर्टी को। अब इसमें कहा गया है सबसेक्शन 1 में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 अ मॉर्टगेजर्स व्हाइल लॉफुली इन पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी शैल हैव पावर टू मेक लीजेस देयर ऑफ विच शैल बी बाइंडिंग ऑन द मॉर्टगेजी। यहाँ पे कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो है जो मॉर्टगेजर होता है उसके पास ये पावर है कि वो आगे लीज आउट कर सकता है प्रॉपर्टी को, जब हालांकि वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है लेकिन वो उसको लीज आउट कर सकता है। कब कब कर सकता है, क्या क्या कंडीशन है, वो सबसेक्शन 2 में कहा गया है। और सबसेक्शन 2 में कहता है ए एवरी सच लीज शैल बी सच एज वुड बी मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंसर्न एंड इन अकॉर्डिंग विद द लोकल लॉ कस्टम और यूजर्स। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी में जैसे कि कोई लैंड है, जो उस लैंड में जैसे कि रेन यानी कि बारिश के टाइम में कोई एक फसल उगना चाहिए। ठीक है, वो एक कस्टम है, वो एक हमेशा वहाँ पे जितने भी ज़मीन है वो ज़मीन में वो फसल उगता ही उगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या उस प्रॉपर्टी के का यूज़ प्रॉपर यूज़ करने के लिए वहाँ पे उस मौसम पे उस फसल को उगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस फसल को उस ज़मीन में होना चाहिए उस समय, क्योंकि वो लोकल लॉ के हिसाब से वो जो ज़मीन है वो उस फसल के लिए अच्छी है उस मौसम में, कोई एक मौसम में। तो इस केस में जो मॉर्टगेजर है वो उसको लीज आउट कर सकता है कि वो जो वो वाला फसल है वो फसल उसके लैंड में वो उगे। ठीक है, अब इसका जो बी पॉइंट है उसमें कहा है एवरी सच लीज शैल रिजर्व द बेस्ट रेंट दैट कैन बी रीजनेबली बी ऑब्टेंड एंड नो प्रीमियम शैल बी पेड और प्रोमिस्ड एंड नो रेंट शैल बी पेएबल इन एडवांस। ठीक है, अब इसमें कहा गया है जो भी लीज रहेगा वो बेस्ट रेंट हम अच्छा से अच्छा रेंट वो लेगा, यानी कि उसका जितना मतलब ऐसा नहीं है कि जो जिसका रेंट 5,000 होना चाहिए वो उसका रेंट 2,000 हो, ऐसा नहीं। 5,000 है तो 5,000 तक ही उसका रेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 5,000 तक उसका वर्थ है उससे रेंट निकलने का। ठीक है, तो अब वो 5,000 तक भी आना चाहिए, नहीं कि 2,000 तक आए, बेस्ट रेंट वो अक्वायर करे। ठीक है, और इसमें क्या मनाही किया गया, इसमें कहा गया है कि जो भी जैसे भी प्रीमियम नो प्रीमियम यहाँ प्रीमियम नहीं ले सकता है। ठीक है, इस केस में प्रीमियम नहीं लिया जा सकता है और नो रेंट शैल बी पेबल इन एडवांस। एडवांस भी यहाँ पे कोई किया नहीं, ये जो लीज रहेगा इस लीज में कोई एडवांस नहीं किया जाएगा, कोई प्रीमियम नहीं दे सकता, जो भी रहेगा रेंट रहेगा, मंथली रेंट सिर्फ देगा। ठीक है, अब इसका सी पॉइंट में कहा गया है नो सच लीज शैल कंटेन अ कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल, यानी कि यहाँ पे रिन्यूअल का क्लॉज नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे रिन्यूअल नहीं होगा, वो जो लीज है वो रिन्यूअल और नहीं हो सकता। एक बार लीज हो गया तो वो खत्म, वो लीज कंप्लीट होने के बाद खत्म। मान लीजिए कि 2 साल का लीज है तो 2 साल के बाद वो लीज खत्म, उसके बाद और वो रिन्यूअल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका डी पॉइंट में कहा है एवरी सच लीज शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट नॉट लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज मेड, यानी कि जो लीज रहेगा वो 6 महीने के बाद 6 महीने से पहले पहले शुरू हो जाना चाहिए। मतलब जो लीज हम किसी दो पार्टी के बीच में हुआ है वो लीज चालू हो जाना चाहिए 6 महीने से पहले के अंदर अंदर। ठीक है, 6 महीने के बाद ऐसा नहीं कि वो 6 महीना हो गया अभी तक लीज ही नहीं शुरू ही नहीं हुआ, लीज का अगर वो डॉक्यूमेंट बन गया उसके बाद लीज 6 महीने के अंदर अंदर वो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको पोजीशन ले लेना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। अब इसमें ई पॉइंट में कहा है इन द केस ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग्स वेदर लीज्ड विथ और विदाउट द लैंड ऑन विच दे स्टैंड द ड्यूरेशन ऑफ लीज शैल इन नो केस एक्सीड 3 ईयर्स। इसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग्स विथ और विदाउट लैंड, उस केस में 3 साल से ज़्यादा तक वो लीज नहीं कर सकता। ठीक है, 3 साल तक वो लीज कर सकता है, 3 साल से ज़्यादा के लिए वो यहाँ पे लीज नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें कहा गया है एंड द लीज शैल कंटेन अ कोवेनेंट फॉर पेमेंट ऑफ रेंट एंड कंडीशन ऑफ री एंट्री ऑन रेंट नॉट बीइंग पेड विद द टाइम देयर इन स्पेसिफाइड। इसमें कहा गया है कि इसमें कोवेनेंट रहेगा कि वो रेंट देगा, हर महीना रेंट देगा। ठीक है, महीने के जैसे भी उसका रेंट का हिसाब रहेगा वो रेंट देगा, और अगर रेंट ना दे तो उसमें री एंट्री का भी वहाँ एक क्लॉज रहेगा कि अगर वो रेंट नहीं देता है तो वो अपना
पोजीशन को छोड़ देगा और जिसका ओनर है वो जो ओनर है वो अपना उसको अक्वायर कर लेगा, प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है इसका जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 में कहा है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा था अप्लाई ओनली इफ एंड एज फार एज कॉन्ट्रारी इंटेंशन इज नॉट एक्सप्रेस इन द मॉर्टगेज डीड। ठीक है, जब तक कॉन्ट्रारी इंटेंशन नहीं है कोई, अगर कुछ अलग कुछ चेंज नहीं है मॉर्टगेज डीड में, तो यही चीज़ अप्लाई होगा, अगर कुछ है तो वो अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 जिसमें कि हमने कंडीशन देखे थे मे बी वेरिड और एक्सटेंडेड बाय द मॉर्टगेज डीड एंड सो वेरिड एंड एक्सटेंडेड सेल एज फार मे बी ऑपरेट इन लाइक मैनर एंड विथ ऑल द इंसिडेंट इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेज एज इफ सच वेरिएशन एंड एक्सटेंशन वेर कंटेंट इन द सबसेक्शन। इसमें कहा गया है कि जो सबसेक्शन 2 में जो भी कंडीशंस दिया गया है वो कंडीशंस हो सकता है कि कोई और मतलब अपने हिसाब से भी कंडीशन बना सकता है, चेंज किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, और अगर वो कोई चेंज करता है तो उसको ऐसे माना जाएगा कि जो सब वो सबसेक्शन 2 यानी कि सबसेक्शन में जैसा लिखा गया उसी हिसाब से किया गया है, उसको ऐसे माना जाएगा। यानी कि जो लोन उन्होंने जो भी डेविएशन दिया है, उन्होंने जो भी अपने हिसाब से कुछ किया है तो वो कर सकते हैं और उसी को माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है तो यही इसको मानेंगे, वो लोग अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया है कि वो लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।